नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VSM डेयरी फार्म ब्लॉग में। आज हम आए हैं शीतल फीड में और बात करते हैं शीतल फीड की टीम से, राजीव सिन्हा जी से। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सिन्हा शीतल इंडस्ट्रीज खन्ना में एज ए जनरल मैनेजर हूँ। और मैं आप सबसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब डेयरी शुरू करते हैं आपकी क्या बेसिक समस्याएं आती हैं, वो अपने संवाद के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। जब भी आप डेयरी शुरू करें, सबसे पहले तो अपने जगह का ध्यान रखें कि कौन से जगह पे आप डेयरी कर रहे हैं, आपने कितना बड़ा जगह रखा है, आपके जो पशु हैं उसके लिए हर पशु के लिए कितना जगह है। क्योंकि जब अगर पशु को बहुत कॉम्पैक्ट रखेंगे तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। पशु को आपने खुला रखा है, बांध के रखा है, ये भी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप नस्ल सुधार पे काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसमें बहुत उत्तम नस्ल की जो टिके हैं, सीमेन है या जो वीर्य है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपकी अगली जो प्रोजेनी है, अगली जो पीढ़ी आती है, उसमें वो सारे गुण देखने को मिलते हैं। तो इस और ये इतने पे ही नहीं संभव है, इसके लिए फिर क्या है, जब वो अच्छी नस्ल आप तैयार करते हैं उसको अच्छी खुराक की ज़रूरत पड़ती है। हमारे कई सारे किसान बंधु ऐसे हैं जो बाहर बाज़ारों से जा कर के अलग रॉ मटेरियल ले आते हैं, वो उसकी टेस्ट नहीं कराते कि उसके अंदर भाई टॉक्सिसिटी है या फीड स्वच्छ है, साफ़ है, या क्योंकि वो कहीं ना कहीं पशुओं में मेस्टाइटिस यानी थनैला रोग का कारण बनता है। तो कई जगह ऐसी भी बात आती है कि वो मतलब उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं, फीड की बैलेंसिंग, यानी जैसे हम लोग अपना कहते हैं संतुलित आहार, तो संतुलित आहार जो है वो फीड की बैलेंसिंग के माध्यम से ही संभव है। ये तभी हो सकता है जब हम जो पशु का जो ज़रूरत है उसके हिसाब से हम उसको उतनी प्रोटीन, उतनी ऊर्जा यानी उतनी वसा यानी फैट, फाइबर और ये सारी चीज़ दें। जो भी हम फीड दें वो टॉक्सिसिटी ना हो, तो हम या तो एफ्लाटॉक्सिन कंट्रोल फीड दें या फिर हम उसमें टॉक्सिन बाइंडर यूज़ करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मित्रों कि जब भी आप कोई काम शुरू करें तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि आपको इसमें समस्या ना आए। आपकी कोई और समस्या हो तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर इनके मतलब वीडियो के माध्यम से आप हमारे पास ज़रूर आ पाए। धन्यवाद।